पीएम मोदी तो अपने अगले हफ्ते अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी संकट मोचन मंदिर में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेना है उन्होंने, लेकिन पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले शनिवार को बनारस में जो कुछ हुआ, बम मिलने से वहां सनसनी फैली। वाराणसी कोर्ट परिसर में शनिवार को दो जिंदा देसी बम मिले थे। कोर्ट परिसर में बम मिलने के बाद काफी देर तक वहां अफरा तफरी मची रही। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं। सवाल इसीलिए भी अहम है क्योंकि कचहरी में 9 साल पहले भी धमाके हो चुके हैं। दोस्तों, कचहरी में बम मिलने की पुख्ता जानकारी मिली है। सुरक्षा एजेंसियां एक्टिवेट हो गई हैं। डॉग स्क्वाड कचहरी कैंपस में मौजूद है। पुलिस के जवान सघन तलाशी अभियान जारी रखे हुए कचहरी कैंपस सुरक्षा के। वाराणसी के कोर्ट परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पता चला कि गेट के पास एक लावारिस बैग में बम मिला है। लोगों के दिमाग में अचानक 9 साल पुरानी तस्वीरें उभरने लगी। लोग यहां वहां भागने लगे और मौके पर पुलिस पहुंच गई। गेट नंबर 2 के ठीक बगल में इस गुमटी के नीचे एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया। हैंड ग्रेनेड, जैसा कि प्रशासन का कहना है कि डेटोनेटर पर नहीं था, इसलिए वो लाइव बम नहीं था और उसका पिन भी टूटा हुआ था। उसके बाद से सरगर्मी बढ़ी, गहमागहमी बढ़ी, पूरे परिसर को खाली करा लिया गया। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई थी। अदालत में तमाम लोग मौजूद थे। बम की खबर सुनते ही चारों तरफ खौफ का माहौल बन गया। सुबह रूटीन चेकिंग होती थी, इसके बाद में यहाँ फोर्स बैठती थी, एक फोर्स बैठती थी और सोती थी। इस गेट पर पुलिस फोर्स बैठती थी, कोई सुरक्षा व्यवस्था का नाम कोई चीज नहीं थी। आज ये क्या दिख रहा है, सुरक्षा व्यवस्था का ही खामियाजा जाए कि आज हम लोग को ऐसा भोगना पड़ रहा है। कचहरी भाग भरोसे चल रही है, हम लोग अपने भाग भरोसे जी रहे हैं। बाबा भोलेनाथ और काल भैरव बाबा हम लोग को जी। सीसीटीवी कैमरे कितने परिसर में हैं? एक मिनट, सिंगल। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमान संभाली, परिसर को खाली करवाया गया। पुलिस के बम निरोधक दस्ते ने एक हैंड ग्रेनेड जिसकी पिन निकली हुई थी उसको डिफ्यूज कर दिया। इसके अलावा 3 जिंदा बम भी बरामद किए गए। जी देखिए, उसमें डिटोनेटर नहीं था तो वो फट ही नहीं सकता था। तो पहली बात तो थी। ये किसी ने खुराफात या जो भी आप कहें, मतलब यह एक तरह का सेंसिटिविटी पैदा करने के लिए ये कार्रवाई लग रही है प्रथम दृष्टया। लेकिन पुलिस की मुश्किल यही खत्म नहीं हुई, बल्कि अब ये पता करना बड़ी चुनौती था कहीं दूसरी जगह बम तो नहीं रखे गए। लिहाजा पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराया गया और डॉग स्क्वाड से पूरे इलाके की बारीकी से छानबीन की गई। इस दौरान कोर्ट की कार्रवाई को पूरी तरह से बंद करना पड़ा। कोर्ट परिसर में बम मिलने की यह घटना कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह के वाराणसी दौरे से कुछ ही घंटे पहले यह घटना सामने आई। इतना ही नहीं, 29-30 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी का भी वाराणसी जाने का प्रोग्राम है। पीएम मोदी संकट मोचन मंदिर में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, लिहाजा इस घटना ने प्रशासन के कान खड़े कर दिए हैं और पूरे शहर में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि वाराणसी कोर्ट में पहले भी धमाके हो चुके हैं। 6 साल पहले 23 नवंबर 2007 को वाराणसी कचहरी में 2 धमाके हुए थे। पहला धमाका कलेक्ट्रेट में लोअर लॉकअप के पास और दूसरा दीवानी सेशन कोर्ट के पास हुआ था। इसमें करीब 9 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 155 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तब कोर्ट की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे थे, सुरक्षा को लेकर तमाम दावे भी किए गए थे, लेकिन 6 साल बाद इस तरह की घटना सामने आना कहीं ना कहीं सुरक्षा भी सवालों के घेरे में है। अब सवाल ये कि आखिर ये बम रखे किसने और इतनी आसानी से बम कोई कैसे रख पाया। अमित सिंह, वाराणसी, इंडिया 24/7। और चलिए रुक करते हैं अमित हमारे साथ बने हुए वाराणसी इस खबर पर। अमित, ये साजिश थी, सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत बड़ी चूक थी, लेकिन साथ ही साथ ये भी समझ में आ रहा है कि माहौल को पूरी तरह से खराब करने की भी कोशिश रही, क्योंकि गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने वहां पहुंचना था और अब कुछ दिन बाद पीएम मोदी भी वहां पर आने वाले हैं। लेकिन अभी भी जो बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि आखिर ये बम रखे तो रखे किसने, क्योंकि ये स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई।
देखिए, पुलिस प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आखिर इस बात का वो पता लगाएगी कैसे कि वहाँ हैंड ग्रेनेड रखा किसने था, क्योंकि वहाँ ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा है और ना कोई मेटल डिटेक्टर ही लगा हुआ है पूरे परिसर में। तो एक तो बड़ा सवाल प्रशासन पर यही खड़ा होता है कि 23 नवंबर को जो ब्लास्ट हुआ था और जिसके बाद से लगातार ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया था कि वाराणसी कचहरी में जो सुरक्षा है उसके प्रॉपर इंतजाम किए जाएं, एक तो उसकी अनदेखी हुई। अब बड़ा सवाल है कि कैसे उसको पता लगाएगी पुलिस। अब अंधेरे में तीर चलाने के अलावा पुलिस कुछ कर नहीं सकती। जो अलर्ट की बात पुलिस ने कल कही थी वो भी महज लिपापोती ही साबित हुई, चूंकि आज से फिर सब कुछ सामान्य हो गया है। तो बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो जाता है कि सुरक्षा को लेकर प्रशासन और पुलिस का जो दायित्व है वो अपने दायित्व का निर्वहन कैसे कर रही है। इसका अंदाजा आप लगा लीजिए कि कचहरी परिसर जहां डीएम कार्यालय है, जहां एसएसपी कार्यालय है, वहां को जाता है हैंड ग्रेनेड रख के चला जाता है। एसएसपी का कहना है कि वो इनएक्टिव बम था, अगर वो एक्टिव होता तो आप क्या कर लेते, ये एक बड़ा सवाल है। गृह मंत्री को जहां रुकना था, गृह मंत्री का जहां रात्रि विश्राम होना था, वहां से महज 150 मीटर की दूरी पर हैंड ग्रेनेड रखा गया था। आप कल्पना करिए कि यहां वाराणसी में सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ चल रहा है। गृह मंत्री ने यह जरूर कहा कि अगर राज्य सरकार मदद मांगती है हमसे तो हम इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी डेवलपमेंट सिस्टम हम यहाँ डेवलप करने पर विचार कर सकते हैं, हम उत्तर प्रदेश सरकार को मदद दे सकते हैं वाराणसी समेत कई शहरों में। अभी तक जो जानकारी मिली है वो हैंड ग्रेनेड खड़की आयुध कारखाने पुणे का था, वहाँ का बना हुआ था। ये जो हैंड ग्रेनेड है ये सुरक्षा में लगे हुए कुछ सुरक्षाकर्मी, बिल्कुल सुरक्षा में पूरी तरह से चूक ही रही हमें तो। और ये देखिए कि वहाँ आप जिस तरह से बता रहे हैं कि सीसीटीवी था ही नहीं, और 2007 में वाराणसी का वही कोर्ट परिसर बम धमाके जेल भी चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये लापरवाही होना ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।